हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने बैंकों से कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है और बैंक आपको बार बार रीपेमेंट करने के लिए तगादा कर रहे हैं, लोन चुकाने के लिए तगादा कर रहे हैं, तब यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, बैंकों के बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जिसके द्वारा आप अपने लोन का 80% अमाउंट तक माफ़ करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने पर्सनल लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, इंस्टेंट लोन लिया है, या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन है, या फिर बिजनेस लोन लिया है और आप उसका रिपेमेंट करने में सक्षम नहीं हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उस लोन को चुका सकें, तब यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोन लेना हर आदमी की ज़रूरत हो गई है, आवश्यकता हो गई है। गाहे बगाहे कभी ना कभी हमें बैंक लोन की ज़रूरत पड़ ही जाती है, या तो कभी बच्चे को पढ़ाना हो, या फिर कोई अगर घर में बीमार हो गया हो तो उसके इलाज का खर्चा हो, या फिर कोई बिजनेस करना हो, या फिर कुछ ऐसी आवश्यकता अचानक आवश्यकता आ जाए जिससे कि हमें तुरंत लोन लेना पड़ जाए, जिसको इंस्टेंट लोन वगैरह हम लोग कहते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा कभी कभी लोन हम लोग ले लेते हैं। तो इस तरह के लोन अब आम हो गए हैं और हमें अब आवश्यकता पड़ रही है कि हम लें। अब इस तरह के जो लोन होते हैं ये बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन कहे जाते हैं, अर्थात इस प्रकार के लोन लेने के लिए ना तो किसी गारंटी की ज़रूरत पड़ती है और ना ही बैंक कोई कोलेट्रल रखते हैं, अर्थात बिना गारंटी बिना कोलेट्रल के बैंक हमें इस तरह के लोन देते हैं। बैंक इसलिए देते हैं क्योंकि इस प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन पर बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं। जहां होम लोन और दूसरे लोन पे आपको 8-10% हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, वहीं इस प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन पर हमें 15-25% इंटरेस्ट रेट के दर से भुगतान करना पड़ता है। अब RBI ने इस प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन के रिकवरी के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट और टाइट गाइडलाइन जारी किए। RBI के गाइडलाइन के अनुसार बैंक अपने रिस्क पर ही इस प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन को देने के उत्तरदायी होंगे। अगर लोन लेने वाला किसी भी प्रकार से चूक करता है इसको भुगतान करने में, तब वह जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं उसके भुगतान के लिए। RBI के स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के चलते अब बैंक जो पहले जबरिया रिकवरी करते थे, रिकवरी एजेंटों को जबरन हमारे घरों में भेजकर आतंक मचाया करते थे, अब RBI के गाइडलाइन के अनुसार बैंक यह काम नहीं कर सकते। तब यह सवाल उठता है कि आखिर जब बैंक जबरन रिकवरी नहीं कर सकते हैं तो इस प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन की रिकवरी बैंक किस प्रकार से करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, बस इसी से अब हम लोग यह रास्ता निकाल लेते हैं कि किस प्रकार से हम जो लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, इंस्टेंट लोन हो, क्रेडिट कार्ड लोन हो, या फिर एडुकेशन लोन हो, अगर इस प्रकार के लोन हैं तब हम थोड़े से दिमाग लगाकर और थोड़े कानून की जानकारी लेकर हम लोग अपने लोन को 80% तक माफ़ करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बैंकों की स्कीम समय समय पर निकलते रहती है, बस इसकी जानकारी हमको और आपको होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बैंकों की एक ईयरली क्लोजिंग होती है जो 31 मार्च को प्रतिवर्ष 31 मार्च को होती है। नॉर्मली जो हम लोगों का ईयर एंडिंग होता है 31 दिसंबर को होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है वो क्लोज बैंकों का जो फाइनेंशियल क्लोजिंग ईयर होता है वो 31 मार्च होता है।
तो उसके पूर्व बैंक क्या करते हैं कि जितने भी इस तरह के डिफॉल्टर होते हैं, जो लंबे समय से लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए बैंक समय समय पर इस प्रकार की स्कीम निकालती रहती है। तब आप बोलेंगे, तब क्या इसके लिए एक साल रुकना पड़ेगा और इसका प्रोसेस क्या है? तो जी नहीं, इसके लिए आपको साल भर रुकने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं वीडियो में बताता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। क्या है कि बैंक सिर्फ साल में एक बार, मतलब ईयर एंडिंग के समय ही, क्लोजिंग के समय ही इस तरह की स्कीम नहीं निकालती है, बल्कि बैंक साल में चार बार अपनी क्लोजिंग करते हैं। एक तो 31 मार्च, एक 30 जून को, एक 30 सितंबर को और एक 31 दिसंबर को बैंकों की क्वार्टरली क्लोजिंग होती है। अब ये जो चार बार जो क्लोजिंग होते हैं हर 3-3 महीने में, तो बैंकों का एक टारगेट होता है कि इस प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन जिनका डिफॉल्ट काफ़ी समय से होता आ रहा है और लोन लेने वाला लोन चुकाने में असमर्थ है, हजार तरह की कार्रवाई करने के बाद भी लोन का रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तब बैंक क्या करते हैं कि सेटलमेंट की कोशिश करते हैं। सेटलमेंट के लिए वो क्या करते हैं, लोन लेने वाले को कुछ ऑफर देते हैं, मामला बातचीत पर चलता है, आपसी बातचीत पर चलता है। अब क्या होता है कि शुरू में तो बैंक क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे कि ठीक है, आपका जो लोन अमाउंट है, शुरू में ये बोलेंगे कि हम इंटरेस्ट आपका छोड़ देते हैं। आप बोलिएगा कि भैया इंटरेस्ट छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तब ये बैंक वाले क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है, हम बात करके आपको बताते हैं ऊपर अपने अफसर से। तब ये चले जाएंगे, उसके बाद मान के चलिए कि वो तीन महीना चला गया, नेक्स्ट जो क्वार्टरली आएगा उसमें ये बोलेंगे ठीक है, हमने अपने अफसर से बात किए हैं, इंटरेस्ट रेट आपको छोड़ देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पर भी आपको हम लोग 10% डिस्काउंट कर देंगे, इस तरह का ऑफर आपको देंगे। अगर मान लीजिए आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है, आप 10% प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ने के बाद भी चुकाने में सक्षम नहीं है, और आप अगर बोलते हैं कि नहीं भाई, इसके बाद भी मैं नहीं चुका पाऊँगा, मैं सक्षम नहीं हूँ, तब हो सकता है कि बैंक वाले क्या करें कि जो चेक आपने गारंटी के रूप में दिया था उसको लेकर ये कोर्ट में चले जाएं और आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर दें। हो सकता है चेक बाउंस का केस होने पर आपको घबराना नहीं है, आप चूंकि ये बेलेबल ऑफेंस है, मैं बता देता हूँ कि अगर बैंक आज से आपने लोन लिया है और एज अ गारंटी अपना चेक दिया है और वो चेक को बाउंस करा देते हैं और चेक बाउंस कराने के बाद वो कोर्ट में केस कर देते हैं उसकी रिकवरी के लिए, तब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह बेलेबल ऑफेंस है। आपको एक दिन में, बल्कि एक मिनट के अंदर कोर्ट में सिर्फ आपको हाजिर होना है, प्रेजेंट होना है और आपका बेल हो जाएगा। और जब एक बार आपका बेल हो गया तब तो फिर आपका कुछ कहना ही नहीं है। अब यह आपके अधिवक्ता पर है, वो साल, 2 साल 3 साल 4 साल तक उस केस को खींच सकता है। अगर इस प्रकार के अनसिक्योर्ड लोन हैं और आप चुकाने में सक्षम नहीं हैं, तो फिलहाल अभी के कानून के अनुसार आपको कोर्ट जेल नहीं भेज सकती है, आपको किसी भी प्रकार के सजा नहीं हो सकती है। अब जब आपको सजा ही नहीं होगी, जब आपको कोर्ट से बेल मिल ही जाएगा, जेल जाने का डर ही नहीं रहेगा, और मामला जब कोर्ट में चला जाएगा, तब बैंक वाले अब डायरेक्ट आपको अप्रोच भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मामला तो कोर्ट में है। अगर बैंक वाले कुछ बोलेंगे तो आप बोलिएगा भैया मामला कोर्ट में है, अगर आप इस तरह से डायरेक्ट अप्रोच कीजिएगा तब तो मैं कोर्ट में शिकायत करूँगा, तब बैंक वालों को हाथ कट जाता है। और मामला कोर्ट में होने के चलते, चूँकि यह साल, 2 साल 4 साल 5 साल तक मामला पेंडिंग, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि 5 साल तक में भी सेटलमेंट नहीं हो पाता है अनसिक्योर्ड लोन, तब ये बैंक वाले सोचते हैं कि भैया अब तो ये हमको तो जीरो मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं, कितना दिन केस चलेगा, इसके अलावा जो कोर्ट का खर्चा है, जो वकील जो कोर्ट की तरफ से, जो मतलब जो बैंक की तरफ से जो एडवोकेट रहेंगे वो तो अपना चार्ज बैंक को करेंगे ही, अब बैंक को लगेगा कि भैया अब तो पैसा भी नहीं मिल रहा, ऊपर से एडवोकेट का खर्चा भी हमको पड़ रहा है, तब यह लोग क्या करेंगे कि आपसे हो सकता है 6 महीना साल भर 2 साल के बाद बैंक आपसे फाइनल सेटलमेंट, कोर्ट के द्वारा ही फाइनल सेटलमेंट की बात करेगा।
अब इस स्थिति में क्या होता है कि मैक्सिमम केसेस में ये ऐसा देखा गया है कि ये 70-80% तक जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें 70-80% तक ये लोग डिस्काउंट कर देते हैं। अब ये आपके बार्गेनिंग क्षमता पर है, ये आपके जो उस समय मीडिएटर रहेंगे कोर्ट में जो एडवोकेट है उनके ऊपर है कि वो कितना बार्गेनिंग कर पाते हैं, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है कंपनियों का 50% 60% 80% तक का वो लोग लोन अमाउंट के जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर डिस्काउंट आपको दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोर्ट कचहरी से नहीं डरते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका लोन माफ़ हो जाएगा। थोड़ी मानसिक परेशानी होगी क्योंकि बैंक वाले आपको बार बार फ़ोन करेंगे, आपके घर विजिट करेंगे, लेकिन ये आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में आरबीआई का यह क्लियर गाइडलाइन है कि आपको अपने रिस्क पर बिजनेस करना है। आपको जबरन रिकवरी एजेंट के द्वारा वसूली नहीं कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकते हैं, ना ही इसमें सरफेसी एक्ट लगता है। सबसे बड़ी बात है कि जो सरफेसी एक्ट जो प्रॉपर्टी अटैच करने का जो कानून है वो अनसिक्योर्ड लोन में नहीं लगता है। तो इस स्थिति में अगर आपने पर्सनल लोन लिया है, एडुकेशन लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है या फिर क्रेडिट कार्ड का कोई लोन है और आप नहीं चुका पा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, बस थोड़े से दिमाग से काम लेना है और आप बैंकों के ये जो सेटलमेंट स्कीम निकलते रहते हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप उनका फ़ायदा उठाकर अपने लोन को 80% तक डिस्काउंट ले सकते हैं। बैंक हर 3 महीना पर ये सेटलमेंट स्कीम निकालते रहते हैं। बैंकों की पॉलिसी होती है कि जो लोन जो डूबा हुआ लोन है एक तरह से जो एनपीए हो गया है, काफ़ी समय से एनपीए है, 1-2 साल 3 साल से, उसको किसी भी तरह से जितना मिल रहा है उसको लेकर सेटलमेंट किया जाए। ये बैंकों का स्कीम है। अब आप अंत में बताता हूँ कि अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इस तरह से करने से तो सारा बैंक ही डूब जाएगा, कोई लोन चुकाएगा ही नहीं। तो नहीं दोस्तों, अब क्या है कि हर कोई तो ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए बैंक लोन दिया है तो 8 से 9 आदमी जो होंगे, अगर 10 आदमी को लोन दिया है तो 9 आदमी ऐसे होंगे जो बैंकों को चुका देंगे लोन। सिर्फ एक आदमी किसी मजबूरी वश लोन नहीं चुका पाता, क्योंकि मैक्सिमम हम भारतीयों की यह नियत होती है कि हम लोगों ने अगर किसी से लोन लिया है तब हम चुका दें, लेकिन किसी कारणवश अगर हम मजबूरी में नहीं चुका पाते हैं तब आप इस तरह से आप अपने लोन को 80% तक माफ़ करा सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि चूंकि बैंक अनसिक्योर्ड लोन काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट पर देते हैं, तब मान लीजिए 10 में से 9 लोन अगर चुका दिए जा रहे हैं और एक नहीं चुकाया जा रहा है तो बैंक को तो तब भी प्रॉफिट होगा। बैंक क्या करेगा, आपका जो लॉस हो रहा है जो आपके लोन से, उस प्रॉफिट में से उतने को अमाउंट को घटा देगा, उसके बाद भी बैंक प्रॉफिट में रहेगा। और दूसरी बात है कि आमतौर पर लोग इसलिए लोन भी चुका देते हैं कि उनका सिविल ख़राब हो जाएगा, आगे लोन उन्हें मिलेगा नहीं किसी भी काम के लिए, तो उसको देखते हुए भी लोन चुका दिया जाता है। और मेरी जो राय है, आप मजबूरी हो तभी इस तरह के हथकंडे अपनाए, जहाँ तक हो सके लोन लेने के बाद उसे ज़रूर चुका दें, क्योंकि इससे आपका क्रेडिट स्कोर बना रहता है और भविष्य में कभी जाने अनजाने अगर दोबारा लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए तब आपको बैंक लोन आसानी से दे देंगे। तो दोस्तों इससे संबंधित कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तब आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।